हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड शेयरिंग माय वीडियो। ओके, तो ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली स्टडी टिप फॉर केमिस्ट्री। तो आप नीट में हो, एम्स, जिपमर, जो भी एग्ज़ाम हो, कैसे आप तो बेसिकली केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाए, उसके लिए मैं कुछ टिप देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जान लें कि अगर जैसे 45% नीट में आते हैं तो ऑर्गेनिक, फिजिकल, और ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, हमारा इनऑर्गेनिक हो गया, तीनों के वेटेज सेम आ रहे हैं आजकल। जो आज का ट्रेंड है आजकल का, वो सेम है, 15% फ्रॉम ईच से 15% आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कह सकते हो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टिपिकल पार्ट है, जिसपे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लैक कर जाते हैं, मोस्ट ऑफ द सिली मिस्टेक कर जाते हैं, और आपको इसका पढ़ने का जो बेस्ट मेथड है वो आपको पता नहीं है, उसके कारण आपके इसमें मार्क्स थोड़े कम आते हैं। तो आज मैं जो बेस्ट बोल रहा हूँ, सबसे पहले सुनो क्या करना है इसमें। तो फर्स्ट करना है अपने GSE को कम्प्लीट करना है। GSE के बिना, कंप्लीट किए बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना मत, क्योंकि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के सारे कॉन्सेप्ट पे बेस है। बेसिकली आप देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जैसे GSE पढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, इफेक्ट पढ़ना है, इरेगुलेटिंग स्ट्रक्चर है, IUPC नेम है। GSE से ही 3 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन, आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लो, GSE से पूछे जाएंगे। और जो आगे के चैप्टर है, जो हाइड्रोकार्बन है, एमाइंस है, लाइक दैट, आपको जो भी है वो GSE में ही कवर है, उसी के इफेक्ट और एप्लीकेशन को उसमें यूज किया गया है, और उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाया है, बस इतना ही है। तो GSE सबसे पहले कंप्लीट करो। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की ट्राई करो, एक चैप्टर से हमेशा कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम 300-400 GSE से सीख करने, 300-400 GSE से करने, उसके अलावा 100-200 क्वेश्चन आप हर और जो भी अदर टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन, एमाइन, जो भी है 11th 12th के, उससे आपको 100-200 करने हैं। थर्ड, हमेशा टॉपिक वाइज करना है क्वेश्चन हमेशा टॉपिक वाइज करना है, कभी भी पूरा चैप्टर वाइज मत करना, हमेशा पहले तो टॉपिक वाइज करना, तब टॉपिक वाइज करना, और हमेशा सेम क्वेश्चन को रिपीट मत करना इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? इतना कर लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बेस्ट हो जाएगा। 4 है रिएक्शन कॉपी, एक रिएक्शन कॉपी बनाना, और जितने भी मुश्किल से बहुत ही कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन है, सारी को लिख लेना एक जगह, और उसके भी जितने मैकेनिज्म है वो हमेशा शॉर्ट इंटरवल में या वीक में एक बार रिवाइज करते रहना, एग्ज़ाम देने से पहले तक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन को, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा रिएजेंट कौन सा है, ये बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। बेसिकली आपसे उसमें कुछ भी मैकेनिज्म से कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। और थर्ड, NCERT से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस देना है अपने लेक्चर को, जो भी आप क्लास में, अगर कोचिंग जा रहे हो तो जो कोचिंग में क्लास में लेक्चर भी मिल रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस बुक लेना है तो ले लो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए स्पेशल है कि आप कहीं से भी, किसी भी लोकल कोचिंग करो या कहीं वीडियो देखो यूट्यूब पे, कहीं भी देखो, मगर लेक्चर के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो, NCERT से या रेफरेंस बुक से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना अपने इससे, लेक्चर से, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इसमें।
इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो आपके आगे की जो ऑर्गेनिक की अप्रोच रहेगी वो बहुत ही इजी हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन कर जाओगे। और इसमें गारंटी आप 14 to 15 क्वेश्चन, 15 में से 15 क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपने ये सब कर लिया तो। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक और फिजिकल से थोड़ा अलग अप्रोच है इसमें। तो सबसे पहला अप्रोच आपका इन ऑर्गेनिक में सेम एज ए बायोलॉजी, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी पे फोकस ज़्यादा करना, एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, एनसीईआरटी पे करो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है और मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन इसमें करने हैं, जितना भी पॉसिबल हो उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बनाने हैं। ऑर्गेनिक और फिजिकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपका इसमें कुछ बाउंड्री नहीं है, जैसे डी एफ पी ब्लॉक टू दे दिया है उन्होंने, मगर इसमें कुछ बताया नहीं कि कुछ भी है इसमें पूछ सकते हैं आपको। थोड़ा इसमें सही तरीका से सही स्टडी टिप और कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करना और कुछ भी इसमें भूलना नहीं, एक पॉइंट भी इसमें लैक मत करना। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करना है और बायो की तरह इसमें ज़्यादा अप्रोच रखना है, जैसे बायो में अप्रोच रखते हो वैसे अप्रोच इसमें रखना है बेसिकली, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इसको करोगे तो बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा। और जो थर्ड है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने, वो तो सभी में करने, मगर इसमें आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने ही करने हैं, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, ओके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके ही जाना इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, हमेशा ज़्यादा फोकस रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना इस पे एनसीईआरटी पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की अपना मोटिव रखना और वेरिएशन लाना क्वेश्चन में, एक टाइप के क्वेश्चन करने की ट्राई कम करना, बस इतना ही अप्रोच है।